देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। भरतपुर के कामा कस्बे से जहां विधायक जाहिदा खान के पति और पूर्व प्रधान जलिस खान की ओर से हलका पटवारी को फोन पर दी गई धमकी का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि पूर्व प्रधान ने किसी भी तरह की धमकी देने से साफ तौर पर इनकार किया है। इस ऑडियो में पटवारी ब्रज किशोर को जूते मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं पटवारी संघ ने इस मामले में उपखंड अधिकारी और सीएम और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। काम का इमरान सौरभ धुरू मतलब खाद्यान्न सुरक्षा फॉर्म लेके आया, तो वो क्या है आते ही बोला कि भाई ये साइन कर दो। तो मैंने कहा भाई चलो बैठो थोड़ी देखता हूँ, और भी कास्तर बैठे हुए थे उनका काम कर रहा था मैं। तो उसने तो क्या उसका नंबर आया, फिर मैंने कहा भाई बताओ कौन से गाँव में ज़मीन है। नहीं यार पटवारी तुझे पता नहीं है मेरे सारे गाँव में ज़मीन है। ये सारे गांव भाई नाम तो बताओ, इसका कौन कौन से गांव में, गंगूराम है या सपरा में, चार गांव लगते हैं परवर मंडल। तो उसने सूरते कहा कि भाई तुझे पता नहीं है मैं कौन का आदमी हूँ, MLA का आदमी हूँ, ले बात कर MLA तो। मैंने कहा MLA की जरूरत है, मैं वैसे ही कर दूंगा बस काम तेरा। नहीं नहीं तू वैसे नहीं करेगा, यही बात हुई थी। फिर बाद में क्या है प्रधान जी का फ़ोन आया, प्रधान जी ने कहा कि ऐसा है तेरी पटवारी की बुलवा दूंगा, कहाँ का पटवारी है तू, और तुझको मैं ही आकर उनको धमकाया भैया के जूत लगाऊंगा तुम्हें, और तुझे पटवारी बुला दूंगा और तुझे पटवारी नौकरी करना।